मैं डॉक्टर सोमू सिंह को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे आपसे बात करने में काफ़ी देर हुई, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। मुझे आज जो बातचीत करनी है उसमें आप देखेंगे कि मैं वही बातें करूंगा जो आप जानते हैं, कोई नई चीज़ इसमें आने की आवश्यकता नहीं है। मैंने शुरू कर दिया है लेकिन मुझे पता नहीं आप सुनाई दे रहा है कि नहीं, आवाज आ रही है आप? हाँ, तो मैंने शुरू किया है, आ रही, गुड। देखिए, हम लोगों ने जो विषय लिया है उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि थोड़ा सा विचार हम करें कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। मनुष्य की वो कौन सी प्रवृत्ति है जिसके अनुसार वो सदा प्रयत्नशील रहता है, कुछ न कुछ करते रहने की इच्छा उसमें हमेशा बनी रहती है और यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण। मनुष्य ने जो भी देखा उसको और ध्यान से देखने की कोशिश की, धीरे धीरे उसका उपयोग करना उसने सीख लिया और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, समय आगे बढ़ा, विभिन्न स्थलों पर अनेक सभ्यताएं उत्पन्न हुई और जिनके बारे में हम लोग हमेशा से जानते रहे हैं और बहुत सी बातें भी करते रहे हैं। एक और भी अक्सर एक बात कही जाती है कि अनेक सभ्यताएं विकसित हुई और अनेक सभ्यताएं नष्ट भी हो गई। ये इतिहास में अपने आप अध्ययन करने का एक बहुत बड़ा सा विषय है कि कोई भी सभ्यता क्यों नष्ट हो जाती है और कोई सभ्यता क्यों बनी रहती है। ये सही है कि हर सभ्यता को समय समय पर अनेक प्रकार की कठिनाइयों से जूझना पड़ा, कुछ उसको सह पाए, कुछ उसको नहीं सह पाए, लेकिन ज्ञान परंपरा हर जगह विकसित हुई। आपने इनका नाम सुना है और कई बार हम लोग यह भी कहते हैं कि भारत की सभ्यता बनी रही, अनेक कठिनाइयों में भी बनी रही। लोगों ने इसके महत्व को भी जाना कि जो सभ्यता ज्ञान पर आधारित होगी, जहां ज्ञान की खोज में लोग लगे रहेंगे, वह हमेशा ही उसकी ताकत ज्यादा होगी अन्य सभी की। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, बाकी इतिहास जो लोग जानते हैं वे स्वयं जानते हैं कि अनेक बार आपने पढ़ा होगा कि आक्रांताओं ने अनेक देशों में, केवल भारत में ही नहीं, अनेक देशों में ग्रंथालयों को जला दिया। ग्रंथालयों को जलाने का महत्व तो क्या हो सकता है? क्योंकि वे ये जानते थे, जो भी विदेशी लोग किसी अन्य देश में पहुंचे, कि अगर हम इनके ज्ञान भंडार को अलग कर देंगे तो ये लोग अपनी संस्कृति से अलग हो जाएंगे और जो संस्कृति और इतिहास से अलग हो जाता है उस पर विजय प्राप्त करना आसान होता है, बहुत आसानी से ऐसा किया जा सकता है और ऐसा हुआ भी है जो आप जानते हैं। ज्ञान परंपरा को नष्ट कर, जैसे जब हम भारत में अंग्रेजी शिक्षा के इतिहास पर बात करते हैं या उसे जानने का प्रयास करते हैं तो एक वाक्य में सब कुछ समा जाता है। वो वाक्य है कि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य था टू डिलिंक इंडियंस फ्रॉम इंडिया, भारतीयों को भारत से अलग कर दो, भारतीयों को भारत की संस्कृति से अलग कर दो, उनके इतिहास से अलग कर दो, उनके जो आदर्श पुरुष थे उनके बारे में ऐसी स्थिति पैदा करो कि उनके अंदर सम्मान न रहे और जब ऐसा हो जाएगा तो हर व्यक्ति को लगेगा कि मैं, जो मेरा आक्रांता है, जो मेरे ऊपर शासन करने आया है, उससे नीचे हूँ, उसका ही सब कुछ अच्छा है। सामान्य भाषा में हम शिक्षक लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं कि पश्चिम के प्रति हमारे आकर्षण का मूल आधार यही है, मूल सार तत्व यही है कि हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था में ढाला गया जो ये मानने लगे कि जो कुछ पश्चिम में है वही सार तत्व है, वही जीवन का उद्देश्य है, उसी को प्राप्त करना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि यूरोप के कुछ देशों से जो लोग चले आज से 400 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, वे दुनिया भर में फैले। एक छोटे से टापू इंग्लैंड के लोग गए और उन्होंने अमेरिका में जो वहाँ की संस्कृति थी उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया, लोगों को नष्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं बचा, कितने ऐसे उदाहरण आपके सामने आते। तो कुल मिलाकर के किसी भी सभ्यता के लिए ये आवश्यक है कि वो अपनी शक्ति को जाने, अपनी मान्यताओं को जाने,
अपने अंदर जो शक्तिशाली संभावनाएं हैं उन्हें भी समझे और जाने। अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से सभ्यताओं पर आघात करने की प्रवृत्ति जो मनुष्य की है वो बहुत आसानी से समाप्त होने वाली नहीं है, और हर एक को अपने को सुरक्षित रखने के लिए, चीज़ों को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने होंगे। और इन प्रयासों को एक वाक्य में कहा जाए तो अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा को बनाए रखना होगा। हम भारत के विश्व गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं और कई बार हम ये कहते हैं कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनना है। अगर फिर से बनना है तो इसका अर्थ है भारत कभी विश्व गुरु रहा है और रहा है ये हम जानते हैं, लेकिन बना कैसे था, किस आधार पर विश्व गुरु, दुनिया ने क्यों माना हमें कि हम श्रेष्ठ हैं? केवल इसलिए कि हमने ज्ञान को संपूर्णता में जानने और समझने का प्रयास किया था। हमने केवल विश्व जो हमारे आंखों के सामने दिखाई देता था उसी पर ध्यान दिया हो ऐसा नहीं था। हमने अनेक वो प्रश्न पूछे जो दर्शन शास्त्र में आज बहुत छोटे से स्तर पर कहीं कहीं पूछे जाते हैं और कहीं कहीं बिल्कुल नहीं पूछे जाते। हमने पूछा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य के यहाँ आने के पहले क्या था, उसके बाद क्या था, मनुष्य के सामने जो बाह्य जगत है वो क्या है और जो आंतरिक जगत है क्या वो भी है। अगर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य देखना है तो उसकी निरंतरता को भी देखना पड़ेगा कि प्रकृति ने यहाँ पर मनुष्य की निरंतरता को क्यों स्थापित किया है। इन प्रश्नों के उत्तर जब भारत ने खोजे तो उसमें आध्यात्मिकता की समझ उत्पन्न हुई और आध्यात्मिकता ने सारे विश्व को प्रभावित किया। भारत के पास लोग ज्ञान लेने आए, तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए, हमारी सारी सामाजिक व्यवस्था ने उनका साथ दिया, उनके लिए प्रबंध किया और उनकी ख्याति इतनी बढ़ी कि सारे विश्व से लोग आने लगे। तक्षशिला में 60 देशों से लोग आते थे और छात्र अध्यापक अनुपात इतना सराहनीय था कि आज हम उसकी कल्पना नहीं कर पाते हैं। कहते हैं प्रवेश के लिए द्वार पर ही लोग मिल जाते थे जो पूछ लेते थे कुछ प्रश्न कि आप अंदर जाने लायक हैं या नहीं हैं। अनेक ऐसे प्रश्न हैं जो हमें बार बार आंदोलित करते हैं, उद्वेलित भी करते हैं, लेकिन इस सबसे केवल एक ही अर्थ निकलता है, हम कर सकते हैं, हम फिर से बन सकते हैं, हमारी संस्थाएं ऐसी हो सकती हैं कि विश्व भर में, जो आज की भाषा में कहते हैं, हम एक एजुकेशनल हब बन जाए। हम थे, कुछ व्यवधान आए, हम पिछड़े, हमने दूसरों की तरफ देखना शुरू किया, अब समय आया है कि हम अपने अंदर झांके, अपने इतिहास में झांके, और अगर हम तब बन सकते तो अब क्यों नहीं बन सकते, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो देखना पड़ेगा। इस सभ्यता ने आज के संदर्भ में और इस समय जब हम कोरोना के काल की बात कर रहे हैं, कोरोना के बाद के काल की बात कर रहे हैं, मैं कुछ चीजें आपके समक्ष वो दोहराना चाहता हूं जो आप सब जानते हैं। पराविद्या और अपराविद्या की बात अभी मैंने दूसरे शब्दों में कही थी, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन ये मैं अवश्य कहूंगा कि इस देश ने धर्म शब्द का एक अर्थ विश्व को दिया था। धर्म को पंथ से अलग करके हमने उसको चार हिस्सों में बांटा था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ हमारे यहां आवश्यक माना गया है, इच्छाएं रखना भी आवश्यक है। अगर इच्छा ही नहीं होगी, कामना नहीं होगी, तो मनुष्य आगे बढ़ेगा ही। और मोक्ष का अर्थ है पूर्ण संतुष्ट प्राप्त कर लेना। इस पर ज्यादा समय देने की आवश्यकता मुझे नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, संस्कृत का एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है, विद्या ददाति विद्यम विनयाद्याति पार्थताम। जैसे जैसे ज्ञान में आप आगे बढ़ते हैं, आप मनुष्य जीवन के लिए सुपात्र बनते जाते हैं। मैं जब विद्यार्थियों से बात करता हूं तो पूछता हूं कि आप जब ग्रेजुएट हुए थे या फिर आपको डॉक्टरेट मिल गई तो क्या आपकी विनम्रता बढ़ी या कम हो गई, या आपको अहंकार आ गया कि अब तो मैं इतना पढ़ गया हूं। हमारे यहाँ बड़ा सिंपल सा सूत्र है, विद्या ददाति विनयम। जो ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ता है उसे ज्ञान के क्षेत्र की विशालता का आभास होता जाता है। और इसको अंग्रेजी में आपने सुना होगा, कहते ना, द मोर यू नो
द मोर यू नो दैट यू डू नॉट नो। ज्ञान के क्षेत्र में जितना हम आगे बढ़ेंगे हमें एक ही चीज मिलेगी, अरे ये तो इतना विशाल है, इतना विशाल है कि मैं तो कहीं पर भी नहीं। और यही आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। हर अध्यापक अगर इस तथ्य को जान ले, समझ ले, तो निश्चित रूप से ये उसे जीवन पर्यंत सीखते रहने के लिए प्रेरणा दे सकता है, सहायता कर सकता है और उसका एक मनोबल हमेशा के लिए बढ़ा सकता है। विनयाद्याति पात्रताम, जो विनयशील है वही समाज के लिए उपयोगी है, वही समाज में के लिए सुपात्र है। और पात्रता धनम आपन, जो सुपात्र है उसे धन अर्जित करना चाहिए, अर्थ आवश्यक है जीवन के लिए। और हम सब करते हैं लेकिन कैसे करते हैं उसको भी इसमें कहा गया है। पात्रता धनम आपन होती, और जो अंतिम शब्द तीन है वे शिक्षा का मूल आधार हैं, जीवन का मूल आधार है, समाज का मूल आधार है। और मैं चाहता हूं कि इस पर आप बात करें और इस पर शोध करें, इसे देखें और इसको और अधिक से अधिक गहराई से समझें। मैं तो केवल संदर्भ दे रहा हूं। धना धर्मम तथा, धन अवश्य करिए, पात्रता धनम आपनोत, लेकिन ये मानकर चलिए कि धना धर्मम तथा सुखम, धन और सुख के बीच में एक और भी कड़ी है, उस कड़ी को भूलना नहीं है। और यही पश्चिम और पूर्व की सभ्यता का अंतर है, पश्चिम और पूर्व के दृष्टिकोण का अंतर है। पश्चिम का दृष्टिकोण ये रहा है कि धना कि हम जितना धन होगा उतना हम सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, नहीं, धन से आप सुखी नहीं होंगे। धन आवश्यक है लेकिन सीमाओं के अंदर आवश्यक है। सुखी तो आप तब होंगे जब आप धर्म का आचरण करेंगे, जब आपका आचरण न्याय संगत होगा, समाज संगत होगा, मानवीयता से संगत के संगत बढ़ेगा, तब आप सुखी होंगे। ये शिक्षा व्यवस्था के किस पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है इस पर विचार करिए। कितने अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में ये चीजें हमारे सामने आती हैं या नहीं आ पाती हैं, तो क्यों नहीं आ पाती हैं। मूल तत्व तो यही है, ज्ञान की निरंतरता तो इसी में है कि ज्ञान के उन गूढ़ तत्वों को जो शाश्वत हैं, सदा सही रहेंगे, जैसे धना धर्मम तथा सुखम। हम दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन की बात कर लें मगर बात तो सही है, अगर धन से सुखी होता तो भारत के इतिहास में लोग उन लोगों की चर्चा नहीं करते जिनके पास कोई धन नहीं था लेकिन केवल ज्ञान था, केवल त्याग था, दूसरों के लिए कार्य करने की प्रेरणा थी। ऐसे लोग ही हमारे पास हमेशा रहे, वही हमारे लिए आगे आते रहे और हमें आगे के लिए रास्ता दिखाते रहे। इस समय सबसे अधिक चर्चा हो रही है मनुष्य और प्रकृति के संबंधों की। हम शिक्षा में बढ़ते गए, इसकी कहानी से आप सभी लोग शिक्षा से जुड़े हैं जानते हैं कि 1990 में मार्च में जॉमतियन में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। 176 देश के लोगों ने कहा कि हम उन देशों की मदद करेंगे जहां शिक्षा नहीं फैली है, जो कम विकसित देश है या गरीब देश है, वहां धनवान देश विकसित देश सहायता देंगे और सन 2000 तक सबको शिक्षा मिल जाएगी। जब यह प्रस्ताव पास हो रहा था तब भी ये बात थी कि संभवतः ऐसा संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी उससे एक प्रेरणा मिली और हम उसमें बहुत आगे बढ़े। शिक्षा में हमारी हम बढ़े, हमने पिछले 30-40 वर्षों से इन समस्याओं को देखना भी शुरू किया, जो एक शब्द में यह कही जा सकती थी कि मनुष्य और प्रत्येक संबंधों में टूटन प्रारंभ हो गई थी। और उस टूटन का अर्थ हुआ कि मनुष्य ने शोषण प्रारंभ कर दिया जहां जहां कर सकता था। प्रकृति का शोषण और दोहन हमें इस स्थिति में ले आया कि आज हमारे बच्चे केवल भारत में ही नहीं अनेक देशों जहरीली हवा में पैदा होते हैं, जहरीली हवा में बड़े होते हैं, जहरीली हवा में जीवन बिताते हैं और जीवन के अनेक कठिनाइयां भी ग्रहण करते जाते हैं। माता पिता कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने दिल्ली में देखा, लखनऊ में देखा, हर जगह देखा और हम उसी दिशा में बढ़ते जाते। हमने नदियां जहरीली कर दी, हमने हवा जहरीली कर दी, हमने ऐसे मकान बनाए जहां प्रकाश का प्रवेश नहीं होता है,
हमारे पास बिजली आ गई थी, हमें लगा प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है, और अब उस सारे के सारे के परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। हमने विज्ञान का उपयोग किया, खूब किया, लेकिन हमने उसका विश्लेषण नहीं किया। 1990-92 में किताब मैंने पढ़ी थी, माइकल फलॉन, टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की कई किताबें हैं, एक किताब है मीनिंग ऑफ एजुकेशनल चेंज, करीब 700 पेज की पुस्तक थी, जिसमें एक अध्याय के तीन शब्द ये हैं, चेंज इज एवरीवेयर, प्रोग्रेस इज नॉट, नॉट एवरी चेंज इज कपल्ड विद प्रोग्रेस। परिवर्तन हो रहा है लेकिन प्रगति हो रही है वैसा नहीं है, हर परिवर्तन प्रगति का द्योतक नहीं होता है। इसलिए कौन सा परिवर्तन प्रगति का द्योतक होगा, जिसका विश्लेषण किया जाए। जो कोई भी समाज नए परिवर्तन को तभी स्वीकार करे जब वह उसका विश्लेषण अपनी परिस्थितियों के लिए कर ले और उतना ही स्वीकार करे जितना आवश्यक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप बहुत से और उदाहरण ले सकते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक का आविष्कार हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा, उसका उपयोग इतना बढ़ा कि हम सब लोगों ने लगातार प्लास्टिक प्लास्टिक हर जगह हमें दिखाई देने लगा। और आज हमें लग रहा है कि जब प्लास्टिक का आविष्कार हुआ था तो वैज्ञानिकों का, उद्योगपतियों का, समाज का, सरकार का कर्तव्य था कि वे ये भी तो देखते कि इसके दुष्परिणाम क्या होते, इसका विश्लेषण हमने नहीं किया। यही स्थिति ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुई। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी आवश्यकता थी, हम अनाज हमारे यहाँ पैदा नहीं हो रहा था, लोग ज़्यादा थे, अनाज नहीं था, आवश्यकता थी। लेकिन फिर हम लालच में चले गए और आज हमारी ज़मीनें इतनी ख़राब हो गई हैं कि हमें इस बात का कष्ट है कि हमें दोबारा उनकी जो उत्पादकता है उसको हम फिर से कैसे बहाल करें। ये जो दो ही छोटे से उदाहरण हैं जो आपके सामने मैंने रखे, भारत की सभ्यता में इस सब को समझने के लिए, मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को समझने के लिए साहित्य में हर जगह आपको मिल जाएगा। हमारा शांति मंत्र देख लीजिए, जहां हर प्रकार की बात कही गई है। दुर्भाग्य यह है कि वे सारे तथ्य आज बच्चों के सामने अनेक कारणों से नहीं लाए जा रहे हैं, जबकि लाए जाने चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ चीजों की तरफ मैं ध्यान दिखाना चाहता हूं कि मनुष्य और प्रकृति के संबंधों की बात जब आती है तो सबसे पहले बात यह आती है, जिसको कहा तो बहुतों ने लेकिन महात्मा गांधी ने बड़े सामान्य शब्दों में कहा। उन्होंने कहा, प्रकृति के पास सभी की आवश्यकता पूर्ति के संसाधन हैं, मगर किसी की भी लालच की पूर्ति के नहीं। नेचर हैज सफिशियंट रिसोर्सेज टू मीट द नीड ऑफ एवरीबडी ऑन अर्थ, पशु पक्षी मनुष्य सभी के लिए, बट नॉट द ग्रीड ऑफ एनीबडी। एक आदमी के भी लालच की पूर्ति के लिए संसाधन नहीं है। थोड़ा अफ्रीका का स्वतंत्रता के बाद का इतिहास उठाकर देखिए, आपको ऐसे देश मिलेंगे जो प्रकृति के संसाधनों से बहुत ज्यादा रिच थे, पूरी तरह समृद्ध थे, संपन्न थे। उन्हें एक आध ऐसा नेता मिल गया जिसने सब कुछ बेच दिया और पूरा देश वीरान हो गया। लालच की बात कही गई, और यह वाक्य मैं समझता हूं, अगर शिक्षा में मूल्यों की बात की जाए, मनुष्य को मनुष्य बनाने की बात की जाए, तो इसमें एक बहुत ही बड़ा दर्शन है कि मनुष्य और प्रकृति के संबंध तभी संभव होंगे जब लालच नहीं होगा, केवल आवश्यकता पूर्ति होगी। ये हमारी परंपरा का निकला हुआ सूत्र है जिसे हमें देना चाहिए। इसी को दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले चर्चा होती है कि चार ऋण ऐसे हैं जो उसके ऊपर पहले से ही आ जाते हैं जैसे ही जन्म लेता है। कुछ तो ऐसा ना, विदेशों से हमने कुछ रुपए रुपये लेते हैं, डॉलर लेते हैं, तो कई हजार का ऋण तो वैसे आ जाता है। लेकिन हमारी सभ्यता ने हमें सिखाया कि चार ऋण ऐसे हैं जो सबके ऊपर आते हैं, और आप जानते हैं इसको, पितृण, माता पिता समाज के लिए उत्तरदायित्व तो बनता है क्योंकि वही आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। दैव ऋण, प्रकृति से आपको क्या क्या नहीं मिलता है वो उस पर कहने की आवश्यकता नहीं। ऋषि ऋण, ज्ञान को जिस स्तर पर आज हम हैं उसके लिए कितने लोगों ने, कितने मनुष्यों ने, ऋषियों मुनियों ने
अपना जीवन की तपस्या करके उस ज्ञान को प्राप्त किया। आयुर्वेद का उदाहरण ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, गणित का ले लीजिए, जीरो के आविष्कार का ले लीजिए, ये सारे किन्होंने किए? ये सारे वो ऋषि थे जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमें कौशल दिए, हमें सिखाया कि आज हम अपना जीवन इस ढंग से कर रहे हैं। और महाभारत में एक मानव ऋण का भी जिक्र है, कुछ लोग तीन कहते हैं, कुछ चार कहते हैं, तो मानव ऋण हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर इससे क्या निकलता है कि हमारा समाज कर्तव्यनिष्ठ समाज, ये चार बातें जो कही गई हैं केवल इसलिए कही गई हैं कि हम एक कर्तव्यनिष्ठ समाज हैं। हम जैसे ही जन्म लेते हैं हम अपने उत्तरदायित्वों का बोध करते हैं। भारत का संविधान जब बना तो उसमें ह्यूमन राइट्स पे तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन कर्तव्यों पर कुछ नहीं लिखा गया, क्योंकि माना गया कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को लेकर ही पैदा होता है और उन कर्तव्यों से सबसे पहले माता पिता के यहाँ सीखता है, फिर अध्यापक के पास जाता है तो उसके प्रति अपने कर्तव्य सीखता है, तो और जब प्रकृति को समझने लगता है तो उसके प्रति भी समझ लेता है। ऋषि ऋण, दैव ऋण, पितृ ऋण तीनों शामिल हो जाते हैं, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है मनुष्य की पारस्परिक निर्भरता को भी समझने लगता है और मानव ऋण की बात उसके मन में पूरी तरह आ जाती है। ये हमारे सभ्यता का सबसे बहुत बड़ा संबल है जिसमें वे सारी चीजें आ जाती हैं जो हम मूल्यों की शिक्षा में रखना चाहते हैं या करना चाहते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम की बात बार बार की जाती है, लेकिन जब हम मानव ऋण की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें कहा गया है कि आप अगर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा निगाह डालकर देखिए कितने मनुष्यों ने आपकी मदद की होगी, आपके परिवार के ने तो की होगी, माता पिता ने की होगी, परिवार ने की होगी, लेकिन बाकी मित्रों ने की होगी और कितनों ने की होगी, किसी ने कोई बड़ी योजना बनाई होगी, उस योजना के आधार पर आपका जीवन एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया, ये हमारा वो था। इसी के आधार पर जब हमने कर्तव्यनिष्ठ समाज बनाया तो हमारी ज्ञान परंपरा ने और भी कई बातें कही, जैसे लोका समस्ता सुखिनो भवन, सब लोग सुखी रहे, मेरे असुख होने से कुछ नहीं होगा। इसको कई बार कहा जाता है कि अगर आपका पड़ोसी दुखी है तो आप सुखी नहीं हो सकते। भारत के गांव में एक परंपरा थी उस समय में, जब कहा जाता था कि जमींदार बड़ा अत्याचार करते हैं और भी कई ऐसी अस्वीकार्य सामाजिक परंपराएं थी, तब भी एक बात कही जाती थी कि गांव का जो वरिष्ठ व्यक्ति होता था वह भोजन करने के पहले एक सूचना लेता था अपने सूत्रों से, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो भूखा हो, चाहे वो गांव का हो चाहे वो आगंतुक हो, और इसमें क्या नीत है, इसमें लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु वसुधैव कुटुम्बकम, उन्हें शब्द मालूम रहे हो या न रहे हो, श्लोक जानते रहे हो या न जानते रहे हो, लेकिन परंपरा ने उन्हें यह सिखाया कि आप वरिष्ठ हैं, आपका उत्तरदायित्व तो सबसे ज्यादा है, कहीं ऐसा ना हो कोई भूखा। और ये हमारे संसद के अनेक भवनों पर कुछ करीब 16-17 श्लोक लिखे हुए हैं जिनका प्रचार प्रसार कम होता है, जैसे संविधान में 17 चित्र हैं, वो भी अब नहीं सकते, लेकिन एक मैंने देखा, अयम निजाह परोवित गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। हम वसुधैव कुटुम्बकम तो याद रखते हैं, लेकिन इसके पहले वाला हमें अक्सर नहीं होता है कि ये मेरा है ये तेरा है, ये बड़े सोच का द्योतक नहीं है। अगर मैं 11 साल 16 साल 17 साल के बच्चों को ये बता दूं, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी ज्ञान परंपरा है, जहां लोगों ने बहुत विचार विमर्श चिंतन के बाद ये कहा था, तो उसको लगेगा हाँ ये कुछ है, इसका अर्थ तो है, ये मेरे कर्तव्य की सीमाओं को बढ़ाता है या घटाता है, तो ये आधार बन सकता है एक अच्छी शिक्षा नीति का, एक अच्छे विषय वस्तु का पढ़ाने की उसका। मैं थोड़ी सी बात एक और कर दूं कि 1970-75 में जब मैंने विदेशों में जाना और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में शुरू किया आना जाना भाग लेना, तो चार शब्द बहुत इस्तेमाल होते थे, वो जो आप सब जानते हैं, किसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं,
कैसे पढ़ाएं, कौन पढ़ाएं, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, हुम टू टीच एंड हु टू टीच, इसमें सब आ जाते हैं। इसमें विषय वस्तु आ जाती है, पढ़क आ जाती है, बालक आ जाता है और अध्यापक भी आ जाता है। कहने का एक ढंग है, कहने के ढंग के हिसाब से मुझे अच्छा लगता है, चार शब्दों में आप सब कुछ ला देते और करते रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वो कैसे पढ़ाने वाली बात इस समय बहुत चर्चा में है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात हो रही है, रिमोट लर्निंग की बात हो रही है, एम्बेडेड लर्निंग की बात हो रही है, स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन ऐसा भी बहुत कुछ है जो पहले चल रहा था, आगे भी चलेगा, हम कुछ भी कहें मगर वो बंद नहीं होने वाला। क्या नहीं बंद होगा? पंडित विद्यानिवास मिश्र हमारे बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान और शिक्षाविद थे। आप में बहुत लोगों को संभवतः उनसे मिलने का अवसर मिला होगा, मुझे उनका बहुत स्नेह मिला। और जब भी मैं ये बात कहता हूँ तो मैं बार बार इसको ढंग से कहता हूँ, मैंने उसे उनके पास जाकर अनुरोध किया था कि मुझे एक ऐसी पुस्तक चाहिए जो अध्यापकों को ये बताए कि भारत की ज्ञान परंपरा क्या है और उसमें ऐसा क्या है जो आज भी उपयोग में आ सकता है। तो पंडित जी ने मेरे अनुरोध पर पुस्तक लिखी थी, अध्यापन भारतीय दृष्टि, और संभवतः उनका जो समग्र साहित्य प्रकाशित होना था उसमें वो सम्मिलित है। उसके कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पंडित जी की पुस्तक से जो मैंने लिए थे वो था कि हमारे यहाँ अध्ययन अध्यापन में चार सोपान है। पहला अध्ययन तो निश्चित है, मैंने मुझे कहना चाहिए था ज्ञानार्जन के चार सोपान है। पहला अध्ययन, जहाँ पर गुरु और शिष्य बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, सीधे सीधे जो बातचीत अध्ययन होता है, पुस्तक ली और पढ़ा तो अध्ययन हुआ, अध्यापक के साथ बैठे सुना ये अध्ययन हुआ। लेकिन अगर आपने एक लेक्चर सुना है 50 मिनट और उसके बाद आप कुछ समय 5 मिनट 10 मिनट आपको मिले ये विचार करने के लिए कि मैंने क्या सुना, सब कुछ याद नहीं रहे, रहना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या मेरे ऊपर प्रभाव डाला किसने, क्या मुझे महत्वपूर्ण लगा, किसको मैं और अधिक जानना चाहता हूं, इसको कहते हैं मनन। अकेले बैठिए सोचिए, कक्षा में अगर आप अध्यापक हैं तो विद्यार्थियों को 5 मिनट कहिए कि भाई अब मैंने जो पढ़ाया जरा उस पर विचार करो, तो सोचो कोई प्रश्न नहीं पूछना है तुम्हें, मैं नहीं पूछूंगा प्रश्न, मगर थिंक ओवर, जरा बैठ के ध्यान दो कि आज मैं आया था तब से लेकर अब तक मैंने क्या कहा, बाद में कुछ हो। जब आप ऐसा करेंगे या विद्यार्थी करेगा तो निश्चित कहीं ना कहीं उसे लगेगा कि ये मैं नहीं समझा इस पर। तो तीसरा सोपान है मनन, अपने लोगों के साथ बैठकर और अध्ययन करने का प्रयास करना, और ये करने से क्या होगा इसे चिंतन कहते हैं। दूसरे ने जो समझा होगा और आपने समझा है, एक ने समझा दूसरे ने समझा, दोनों में अंतर अवश्य होगा, एक सी समझ दोनों की नहीं हो सकती, फिर विचार विमर्श होगा, और इस विचार विमर्श में एक चीज अवश्य आनी चाहिए, वो है उपयोग, ज्ञान का महत्व, ज्ञान का ग्रहण संग्रहण तभी उपयोगी होगा, विद्यार्थी की रुचि तभी उसमें होगी जब उसको ज्ञान मिलने के साथ साथ उसका उपयोग भी समझ में आता जाए। उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है जिसे उपयोग में न लाया जा सके। और इसका एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण है तक्षशिला के आचार्य भदन और उनके शिष्य जीवक का, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े आचार्य हुए। मुझे यह प्रकरण बहुत अच्छा लगता है और मैं बार बार दोहराता हूं। कहते हैं कि जीवक, शिष्य जीवक अपने गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि गुरुवर मेरा अध्ययन पूरा हो गया है, गुरु दक्षिणा बताइए और मुझे जाकर मानव सेवा में इस ज्ञान का उपयोग करने की अनुमति दीजिए। गुरुजी ने कहा हाँ, मेरी गुरु दक्षिणा यह है कि तुम जाओ और प्रकृति में कोई ऐसा पौधा ले आओ, ऐसा कोई हर श्रब पेड़ पौधा पत्ती लेकर आओ जिसका मानव कल्याण में उपयोग न होता हो। जीवक गए,
अब आज की भाषा में कहें तो उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया था, उन्होंने जाकर के प्रोजेक्ट बनाया होगा, उसके बाकी सारे डिटेल्स बनाए होंगे, वो मैं नहीं कहूँगा आपको। लेकिन दीपक ने अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, पूरी कर्मठता से अध्ययन किया, और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो मनुष्य के हित में जिसका उपयोग न हो सकता। एक वाक्य है, ये वाक्य अगर कोई विद्यार्थी सीख ले कि प्रकृति में जो भी ईश्वर ने बनाया हुआ है ऐसा कुछ नहीं है जिसका उपयोग न हो सकता हो। कोई मनुष्य के लिए उपयोगी है, कोई पशु के लिए उपयोगी है, कोई किसी के लिए उपयोगी है, ये एक बहुत लंबा चौड़ा चक्र है। तो यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इस समय एक बड़ी समस्या सारे के सामने है कि परीक्षाएं हो या न, है ना, हर एक बोर्ड परीक्षा ले या न ले, कोरोना के कारण परीक्षा बंद हो न बंद हो, ऐसा चल रहा। लेकिन इसमें अगर आप देखें कि जब जीवक ने अपना यह अध्ययन निष्कर्ष आकर के गुरुजी को बताया तो आचार्य बंद ने कहा, अब तुम्हारा अध्ययन पूरा हो गया है, अब तुम जा सकते हो, यही मेरी गुरुदक्षिणा थी, जाओ और सर्वभूत ही तेरता उसके लिए जाकर के काम करो, सबके लिए काम करो, जैसे आजकल हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, अपने जीवन को पीछे रखकर दूसरे का जीवन बचाने का काम करें। तो ये जो था अध्ययन मनन चिंतन उपयोग के एक उदाहरण मैंने आपको दिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है यहाँ परीक्षा कैसे हुई। परीक्षा विद्यार्थी ने कहा कि मेरा अध्ययन पूरा हो गया, और विद्यार्थी को एक उन्होंने प्रोजेक्ट दिया, प्रश्न नहीं पूछा, एक परियोजना दे दी जिसमें और सीख सकता है, ऐसा सोच विचार कर परियोजना दी, और जाकर के उसके उत्तर पर कोई वो नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई शंका आशंका की बात नहीं हुई, और कहा अब जाओ। सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है? सबसे अच्छा मूल्यांकन या तो अध्यापक करता है प्रारंभिक वर्षों में जो पढ़ाता है, और आगे चलकर विद्यार्थी स्वयं जानता है कि उसने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। अध्यापक के साथ बैठकर इस निष्कर्ष को निकाला जा सकता है, ये भी कहीं ना कहीं हमें याद रखना पड़ेगा। साथियों, आप देख रहे होंगे कि बातें वही हो रही हैं जो कई बार मैं कह चुका हूं और कहता रहता हूं, लेकिन एक और बात कहता हूं। मैंने यहां ज्ञान अर्जन की बात कही थी, और हमारे यहां लिखा हुआ है कि ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। गीता में ये कहा गया है कि ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं है, और ज्ञान अगर आपके पास है तो ज्ञान को दूसरों को देना आपका कर्तव्य है, ये भी आपके कर्तव्य में ऋषि ऋण के उसमें आता है। ज्ञान जितना मिला है उसको बढ़ाइए, और बढ़ाने के बाद नई पीढ़ी को दीजिए, वहां पहुंचाइए, यही जीवन के कर्तव्यों में आता है, यही ऋण चुकाने का तरीका है। तो इस ज्ञान के संबंध में बहुत से दर्शन लोगों ने चर्चा की है, और ज्ञान के अंतर को समझने का प्रयास किया। हमारे संस्थाओं में भी, हमारे स्कूलों में, हमारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में ज्ञान बुद्धि विवेक इस पर तो अच्छे ढंग से बातचीत होनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पाठ एक नया पाठ होना चाहिए क्या, लेकिन अगर अध्यापक को अंदाज हो किसका महत्व क्या है तो निश्चित जाने। बर्टेड रसल ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, 20वीं शताब्दी में थे, और उनका बहुत लोगों सम्मान से उनकी बातों का अध्ययन किया जाता था, एक्टिविस्ट भी थे। उन्होंने लिखा कि यदि मनुष्य केवल ज्ञान के ही पीछे पड़ा रहा, देखिए यहाँ पर हम भारत की सभ्यता को जोड़ेंगे इससे, पश्चिम का एक विद्वान क्या कहता, अगर मनुष्य केवल ज्ञान के अर्जन में ही लगा रहा, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करता रहा, तो उसका विनाश अवश्यम भावी है। ज्ञान तो बहुत सबसे पवित्र है, लेकिन केवल ज्ञान ही काफी, ज्ञान आवश्यक है मगर ज्ञान ही काफी नहीं है। थोड़ा सा हमने अभी पहले देखा अध्ययन मनन चिंतन उपयोग, अध्ययन मनन चिंतन ज्ञान देते हैं लेकिन उपयोग, तो रसल ने कहा नहीं, ज्ञान ठीक है लेकिन केवल ज्ञान से आप विनाश की ओर जाएंगे। तो मैं ढूंढ रहा था इसका कोई उदाहरण, मैं कैसे लोगों को कहूं या मैं कैसे समझूं, तो मैंने मुझे एक उदाहरण मिला है। आप बहुत से उदाहरण ढूंढ सकते हैं और मेरे उदाहरण का की आलोचना भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सोचा कि 1945 में जब एटम बम बना था लॉस अलामोस में, दुनिया भर के बड़े से बड़े साइंटिस्ट वहाँ इकट्ठे किए गए थे,
और उन्होंने एटम बम बनाया, पहला विस्फोट हुआ, जिस पर ओपेनहाइमर ने गीता का वो श्लोक पढ़ा कि सहस्त्रों सूर्यों से अधिक तेज, गीता का महत्व वहां पर प्रकट हुआ। हम बड़े प्रसन्न हुए। ज्ञान उस समय अपने चरम, विज्ञान कहना चाहिए, विज्ञान उस समय अपने चरम उत्कर्ष पर था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह में जो सबसे अधिक ज्ञानी लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटम बम बनाया। वह ज्ञान के उपयोग का चरम था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आइंस्टीन जैसे लोगों ने कहा कि इसका उपयोग बहुत सोच समझ कर होना चाहिए, पहले से ही कहा था, कहीं इसका दुरुपयोग न हो जाए। लेकिन 1945 के बाद 46 में हिरोशिमा हुआ, वो उसका दुरुपयोग था। ज्ञान था, विवेक नहीं था, बुद्धि का उपयोग नहीं किया। जब ज्ञान बुद्धि विवेक के अंतर को समाज नहीं समझता है, तब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां ज्ञान एक पक्षीय हो जाता है, दिखाई कुछ देता है, प्रभाव कहीं होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का उदाहरण ले लीजिए, जिसका थोड़ा संदर्भ मैंने दिया था। लग ये रहा था कि बहुत अच्छा है, बहुत प्रयोग होगा, लेकिन उसका जो गूढ़ अर्थ था वो हमने नहीं समझा, विश्लेषण नहीं किया, विवेक नहीं लगाया, हमने उस बुद्धि का उपयोग नहीं किया जो सदियों से, हजारों सालों से गांवों में खेती के लिए अपनी खाद पैदा करते थे और उसी का उपयोग करते थे और उससे अपना उत्पादन बढ़ा लेते। हमारी आवश्यकताएं हो सकती है, लेकिन ज्ञान बुद्धि विवेक अत्यंत आवश्यक है, उसी से चीजें आगे बढ़ती हैं और उन्हीं को बढ़ाना चाहिए। अभी अक्सर ये बात होती है कि मनुष्य और मनुष्य के संबंध क्या ज्ञानार्जन से बढ़ेंगे या घटेंगे, बढ़े हैं या घटे, शिक्षा के प्रचार प्रसार से क्या शांति की तरफ हम अधिक गए हैं या हम विनाश और अविश्वास की तरफ ज्यादा गए। दुनिया भर में ऐसे अनेक हुए जहां कहा गया कि शिक्षा के द्वारा हम, शिक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकता है, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि शिक्षा के लिए बहुत ही बड़े बड़े प्रयास किए गए, सफल प्रयास किए गए। हमारे यहाँ भी बहुत से प्रयास हुए, गांधी जी ने इसमें बहुत ही ज़्यादा काम किया था, हम सब लोग जानते हैं। इसके अलावा भी लोग थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर, जो कहते थे कि जो भीड़ मंदिरों में जाती है, जब वही भीड़ स्कूलों में दिखाई देगी तब लोगों का उद्धार होगा, तब समाज सुधार होगा और लोगों को सम्मान का जीवन मिलेगा। वाक्य छोटा सा है मगर अर्थ कितना बड़ा है। आस्था बनाए रखिए, मंदिर में जाइए, मगर इस आस्था को बनाए रखने के साथ साथ आपके दृष्टिकोण परिवर्तन में वैज्ञानिकता भी आनी चाहिए, और उस वैज्ञानिकता का आधार शिक्षा होगी, उसी के आधार पर चीजें आगे बढ़ेंगी और उन्हीं को लेकर के हम आगे जा सकेंगे। कुछ उदाहरण जहां लोगों ने दृष्टिकोण परिवर्तन का काम किया है, और मैं समझता हूं ये काम, ये चीज हर अध्यापक को करनी चाहिए कि ज्ञान बुद्धि विवेक अध्ययन मनन चिंतन उपयोग, इस सब के लिए जो व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो बच्चों का, व्यक्तियों का दृष्टिकोण बदल दें। बड़े स्तर पर आप देखिए, नेशनल मंडेला से लाखों ऐसे लोग हैं प्रेरणा लेते हैं जो उनको कभी मिले नहीं, जो उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं, मगर उनके अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना अपने लोगों के प्रति कितनी बड़ी थी। मार्टिन लूथर किंग का अध्ययन कीजिए, उनके जीवन में देखिए क्या हुआ। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन देखें, महात्मा फुले का देखें, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लोगों के दर्द को महसूस किया और उस दर्द को आगे बढ़ाकर जिस संवेदनशीलता और कॉम्पेशन से अपने व्यक्तित्व को बदल लिया। प्रारंभ में हर एक ऐसा नहीं था, लेकिन अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करना, सूचना लेना, उसके बाद उसका विश्लेषण करके उसके मूल अर्थ को समझना, ये डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में है, यही नेशनल मंडेला के जीवन में है, यही मार्टिन लूथर किंग के जीवन में है। और अब हम थोड़ा सा अपने पास लौट आए
तो अपने कुछ नाम ले लें तो सबसे पहले मैं कहूँगा हम 4-5 लोग हैं जिनका मूल दर्शन शिक्षक के हमेशा जान के शिक्षक के ध्यान में होना चाहिए, उसकी जानकारी में होना चाहिए। इस दर्शन में सबसे पहले देखिए, बहुत पहले तो नहीं जाएंगे और ज़्यादा इसको विस्तार से भी आपको नहीं कहेंगे क्योंकि आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्वामी दयानंद, उन्होंने देखा कि एक हतोत्साह में डूबा हुआ समाज अपने से, अपनी परंपरा से, ज्ञान से, ग्रंथों से, ज्ञान और ग्रंथों से कितना दूर हो गया है। इससे उसका आत्मविश्वास समाप्त हो गया। इसको आधार बनाकर उन्होंने शिक्षा को बढ़ाने की बात कही और अपने प्राचीन जो हमारा ज्ञान अर्जन था उसको इसलिए लोगों को जोड़ने कहा कि देखो यहां तक तो हम पहुंच गए थे, तुम्हें इसके आगे जाना है, तुम इसके लिए सक्षम हो और यह सिद्ध हो चुका है कि तुम सक्षम हो, इसलिए आगे बढ़ो। हमारे पास स्वामी विवेकानंद आए जिन्होंने हमें इतनी बातें बताई, जो व्यक्ति ये कह सके कि 50 साल आप अपने मंदिरों में ताले लगा दीजिए और जाकर के उस दीन दुखी की सेवा कीजिए जब जो इस जीवन में अत्यंत अपमानित, शोषित और प्रताड़ित है, ये कहना आसान नहीं था। उनके जीवन के समय में जो स्थितियां थी समाज की, जो सोच था समाज का, जो समाज में विविधताएं बढ़ी हुई थी, परंपरागत रूढ़ियां थी, तब भी जो साहस स्वामी जी ने दिखाया वह अद्वितीय था। उनके कुछ वाक्य, जैसे उन्होंने कहा, एजुकेशन इज परफेक्शन ऑफ, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, मनुष्य में पूर्णता है, उस पूर्णता को जागृत करना, उसको उत्साहित करना, उसको मनोबल के द्वारा प्राप्त करना, अधिक से अधिक प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी चीज थी जो उन्होंने हमें सिखाई और हमें कहा कि आप अपने पर विश्वास करिए। हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा में होना चाहिए कि बच्चे को अपने ऊपर विश्वास हो जाए। ये अगर बच्चे का विश्वास आप पैदा कर दें और आपके मन में हमेशा रहे कि मैं इस बच्चे को अपने ऊपर विश्वास करने में मदद कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की का जो आउटपुट है, जो उसकी सीखने की क्षमता है, सीखने की गति है, वो बढ़ जाएगी। थोड़ा सा आत्म, ये अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ कैसा संभव है। विवेकानंद जी ने यह भी कहा है कि शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है जो चरित्र निर्माण नहीं करती, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हम लोग जानते हैं आज हमारी मुख्य समस्याएं छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर हम ही में से, हमारे द्वारा ही जनित की जाती है। अगर हमारे यहाँ किसी का शोषण होता है तो कहीं ना कहीं कोई शिक्षित व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर कोई बहुत बड़ा घोटाला होता है तो कोई ऐसा व्यक्ति भी जिम्मेदार होता है जिसने शिक्षा प्राप्त की है, साधन है जिसके पास, मगर जिसने इसका चरित्र निर्माण नहीं हुआ। और देश में अगर कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो हर अध्यापक को ये महसूस करना पड़ता है कि कहीं न कहीं ये काम तो उसके जिम्मे था, कहीं न कहीं कमी रह गई है, मेरी शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी रह गई है। ये बात श्री अरविंदो ने जो 3 बातें कही हैं वे आपको हमेशा याद रखनी होगी और उसमें, उसके द्वारा आप कहां से कहां अपनी शिक्षा को ले जा सकते। पहला कि जो जानकारी है उसको, उससे आगे बढ़ो। पहले बच्चे को जानो, नो द चाइल्ड, होम टू टीच, उसका कॉन्टेक्स्ट जानिए, उसका संदर्भ जानिए, उसकी क्षमता जानिए, उसकी इच्छाओं को जानिए और उसके बाद आगे बढ़िए। दूसरा जो था सबसे बड़ा और क्रांतिकारी वाक्य है, नथिंग कैन बी टॉट, पढ़ाया कुछ भी नहीं जा सकता, फिर क्या हो सकता है। जो परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन है उसको थोड़ा जागृत करने में सहायता की जा सकती, आएगा तो सब अंदर से ही, और ये बड़ी बात थी। और उनका एक और वाक्य है तीसरा कि द माइंड मस्ट बी कंसल्टेड इन इट्स ओन डेवलपमेंट, माइंड मस्ट बी कंसल्टेड इन इट्स ओन डेवलपमेंट। बच्चे की प्रीति को लगातार देखते रहना, उसकी बदलती इच्छाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, क्षमताओं को समझने का प्रयास करते रहना अध्यापक के लिए आवश्यक है। यही हमारी गुरुशिष्य परंपरा में आवश्यक तत्व था कि हर एक चीज को देखा जाता था। आज समस्याएं हैं, संख्याएं ज्यादा हैं, अध्यापक को
और भी अनेक कठिनाइयां हैं, लेकिन जो अध्यापक इस तथ्य को जानेगा कि नथिंग कैन बी टॉट एंड माइंड मस्ट बी कंसल्टेड इन इट्स ओन डेवलपमेंट, वो कभी भी किसी से पीछे नहीं रहेगा अपने कर्तव्य पालन में। निश्चित रूप से उसे ये वाक्य सहायता देंगे। श्री अरविंद का शिक्षा काल अत्यंत कष्टकर रहा था। वे एक अध्यापक के बारे में लिखते हैं कि उन्हें देखकर मुझे लगता था कि इस केन परसोनिफाइड, मतलब उन्हें देखकर मुझे बेत दिखाई देता था। आज हम इस सबसे बहुत आगे बढ़ गए हैं, मगर इस आगे बढ़ने में इस प्रकार के चिंतन ने हमें हमारी समझ में बड़ी सहायता की है और ये आज भी सहायता कर सकता है। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप ये श्री गुरुदेव टैगोर से भी कुछ चीज़ें जानें, और उसका एक तरीका जो मैं अब इस्तेमाल करता हूँ वो बहुत अध्ययनशीलता का तो आवश्यकता नहीं है उसमें। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति, हर बच्चा ईश्वर से दो वरदान लेकर पैदा होता है। पहले मैंने चार ऋण की बात कही थी, अब दो वरदान की बात कर रहा हूँ। और किसने कहा? गुरुदेव टैगोर ने लिखा। क्या है ये दो? पावर ऑफ आइडियाज पहला, और पावर ऑफ इमेजिनेशन। हर बच्चे में दो गुण होते हैं, दो वरदान होते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो विचारिकता में आगे न हो, अपने आप सूझबूझ न दिखाता हो और जिसको असीमित कल्पना शक्ति न मिली। और मैं जब ये दोनों पढ़ता हूं तो मुझे दो शब्द अपनी तरफ से याद आ जाते हैं, वह है क्यूरियासिटी एंड क्रिएटिविटी। अगर आप इन चार शब्दों को देखें तो अरविंद का दर्शन पढ़ने और समझने के लिए आपको बड़ी सहायता मिलेगी। अगर बच्चे को आइडियाज एंड इमेजिनेशन को हम बंद न करें, उन्हें कुंद न करें, दुर्भाग्य यह है तो उसकी क्रिएटिविटी और क्यूरियासिटी बढ़ेगी। इंडिया विल बिकम ए हब ऑफ इनोवेशंस। नए विचार इतने आएंगे, इतनी जगह आएंगे, और इसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे आप दिए जाते हैं, बिल गेट्स का उदाहरण दिया जाता है और उनका दिया जाता है, कि हम बच्चे को इतना डिमोरलाइज करते हैं, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों हैं, कभी ये बात नहीं करते कि तुम्हें इतना आता है, तुमने ये किया हुआ है, तुम ये नहीं, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये गुण। आप जानते हैं, हम अध्यापक के नाते सबको किताबों में हम पढ़ते रहते हैं, व्यवहारिकता में थोड़ी कमी हो जाती है। लेकिन टैगोर के ये वाक्य याद रखने लायक हैं, पावर ऑफ आइडियाज एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, जो लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाते रहे। एनसीईआरटी भी कहती है ये पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए, पाठ अवश्य होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम एक तरह से क्रिएटिविटी को कुंद करते हैं। जो टीचर एडुकेटर्स यहाँ पर बैठे हैं, वो मैकारिंको, एक रशियन स्पेशलिस्ट थे, उनकी किताबें पढ़ें तो उन्होंने वाक्य लिखा है कि एवरी क्रिएटिव लेसन डेवलप्स ओनली इन द क्लासरूम। कोई भी सृजनात्मक पाठ जो है वो पहले से तय नहीं हो सकता। कक्षा में आप जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, कुछ नया बताते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं और उससे तय होता है कि आप आगे इसकी कल्पना करके किताब में लिख लेना, लेसन प्लान बना लेना संभव नहीं है। मैंने, चूंकि मैं बाहर से आया था, इसलिए मैंने कोशिश की थी कि इसका एक ऐसा स्वरूप निकले जो सभी के लिए उपयोगी हो सके और जिसमें ऐसा लगे कि द क्रिएटिव लेसन्स टेक प्लेस ओनली विद इन द डेवलप ओनली विद इन द क्लासरूम। कक्षा में पहुंचने पर ही डेवलप होते हैं, लेकिन ये हो नहीं पाया है। मैं समझता हूँ नई पीढ़ी के जो टीचर एडुकेटर्स हैं, उन्हें जो बिंदु मैं अभी तक कह रहा हूँ उसमें एक बिंदु ये भी रखना चाहिए कि क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए लेसन प्लान का क्या स्वरूप होना चाहिए और कितना रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए हमारे एक पाठ्यक्रम के द्वारा। क्या ये हमारे आइडियाज एंड इमेजिनेशन को कुंड तो नहीं कर रहा है, उनको बढ़ाने के लिए क्या हो। हमारे देश में प्रोजेक्ट वर्क शुरू कराया गया यही कि बच्चे सोचेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क की दुकानें खुल गई और हम अध्यापकों ने उसका विरोध नहीं किया, उसके लिए प्रदर्शन नहीं किया, उसको रोकने की कोशिश नहीं। कहीं ना कहीं तो हमें देखना चाहिए कि ऐसा कैसे किया जाए। थोड़ी सी बात गांधी जी की कर लेते हैं, अभी समय है, मुझे घंटे भर बोलने को कहा गया है। गांधी जी की जब भी चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि वे
समय से आगे देखने की क्षमता रखते थे। गांधी जी जब 1915 में भारत लौटकर आए और गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और उन्होंने कहा कि मैं भारत में काम करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अफ्रीका में अपना काम पूरा कर लिया है और मुझे आप बताएं कि मैं यहाँ अपना काम कैसे शुरू करूँ। आपको आश्चर्य होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से कहा, नहीं, तुम अभी यहाँ काम करने के लायक नहीं हो। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अफ्रीका में सफल होकर आता है, सारी दुनिया में उसका नाम जाना जाता है, वो मोहनदास करमचंद गांधी सब जगह पहुंच चुके हैं, भारत के लोग भी जानते हैं, आते हैं तो बड़ा स्वागत होता है, मगर एक व्यक्ति ऐसा निकलता है जो कहता, नहीं, अभी आप भारत में काम नहीं कर सकते क्योंकि भारत की समझ आपकी नहीं बढ़ी। आपने इंग्लैंड में पढ़ा है, आप यहाँ रहे, आप भारत में पैदा हुए, इंग्लैंड में रहे, अफ्रीका में रहे, मगर भारत में काम करना चाहते हो तो एक वर्ष भारतवर्ष का भ्रमण करो, लोगों को जानो, उनकी आवश्यकताओं को जानो, उनकी अपेक्षाओं को जानो, उनकी क्षमताओं को जानो और उसकी उन विविधताओं को जानो जिन्होंने इस देश को जोड़े हुए रखा है इतने वर्ष तक। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तब आप भारत में काम करने लायक। और इससे बड़ी बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि मोहनदास करमचंद गांधी ने जो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु कहते थे, उन्होंने अक्षरशा उनकी बात मान ली और वे साल भर भारत में तीसरी श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करते रहे, लोगों से मिलते रहे और जैसा कि निर्देशता कोई बड़ी सभा नहीं की, बहुत लोगों से अपनी उपस्थित का दर्शाने का कोई प्रयास नहीं किया, तो उनकी गांधी की समझ बढ़ी और इसीलिए गांधी ने गांव की बात की, गरीब की बात की, किसान की बात की, कामगार की बात की, रोजगार की बात की और ये कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो गांव के आसपास होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि उत्तर प्रदेश के गांव में जहाँ से मैं आता हूँ एक वाक्य इस्तेमाल किया जाता था, जब मैं गांव में रहता था तब मैं सुनता था और कितने सम्मान से कहा जाता था, वाक्य था। और आज जो लोग गांव के आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं उस संदर्भ में इस वाक्य को सुनिए, गांव का वाक्य है, थोड़ा हो सकता है कि बहुतों को अच्छा नहीं लगे, मगर वाक्य था, हम खरीद कर नहीं खाते, हमारा भोजन जो कुछ है मेरे ही खेत में पैदा होता है, मेरा घी, दूध, खाना पीना, सब्जी, अनाज, गुड़, सब मेरे घर में पैदा होता है, आवश्यक नहीं है सब क्या हो। लेकिन यह वाक्य बड़ा अच्छा था, बड़ा सम्मानजनक लगता था, जो कहता था उसका चेहरा चमक उठता था। ये आत्मनिर्भर भारत का एक मूल मंत्र था और इसे गांधी जानते थे। गांधी जानते थे कि एक गांव में एक परिवार की बात नहीं, कुछ गांव मिलकर आत्मनिर्भर होंगे, कहीं कहीं एक जिला निर्भर होगा और आज हम फिर उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। गांव की शिक्षा में जब गांधी तकली की बात करते थे, जिसको आज लोग जानते नहीं है तकली क्या होती है, वो केवल इसलिए कह रहे थे कि उन कौशलों पर विचार करिए जो वहां पर आपको दिखाई देते हैं, जो गांव में पैदा होते हैं, जिनका उपयोग हो सकता है। बहुत से लोग जो मुझे कई बार सुन चुके हैं वो इस बात को, मैं लगेगा कि मैं दोहरा रहा हूं लेकिन मैं आवश्यक मानता हूं इसलिए दोहरा रहा हूं कि करीब 30-35 साल पहले जब मैं चीन गया था तो मुझे बताया गया था कि चीन में स्कूल सबसे अच्छा भवन होता है, जहां भी आप गांव में जाएंगे तो स्कूल से अच्छा कोई सबसे अच्छा भवन ढूंढ लीजिएगा वो स्कूल होगा। मैं जानबूझ कर कई स्कूलों में गया, बात सही थी, हर स्कूल में एक कमरा होता था जहाँ बच्चों के द्वारा बनाई हुई चीजें रखी जाती थी और खरीदी जाती थी। जो आज हम कह रहे हैं कि हम स्थानीय उत्पाद खरीदने के लिए एक मुहिम चलाएंगे, ये मुहिम चीन ने चला ली थी। चीन के में अनुशासन था, आप उसे डिक्टेटरशिप कहें, कुछ भी कहें, जो कह दिया वो करना पड़ेगा। तो वहां पर बहुत सा सामान रखा था जो स्थानीय चीजों से बना हुआ था, बच्चों ने बनाया था, उसको गांव के लोग खरीदते थे, उसका छोटा सा अंश बच्चों को भी दे दिया जाता था और बच्चे इस बात से कि मैं अर्न कर सकता हूं, ये वहां उसी जगह सीख लेते थे। चीन ने अपने गांव के स्कूलों में कौशलों को सिखाने पर इतना जोर दिया जो महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत में दिया जाए, मगर भारत ने महात्मा गांधी को बुला दिया, चीन ने उनकी बातों को बिना उनका नाम लिए स्वीकार किया और परिणाम ये हुए कि आज हम कोरिया की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं,
जहाँ कोई व्यक्ति चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, वकील हो, कोई भी हो, मगर कहीं ना कहीं उसके पास ऐसे हाथ के कौशल होते हैं जिनके द्वारा वो एक वैकल्पिक जीवन यापन भी कर सकता है। और उसी का परिणाम है कि चीन का जो विकास आर्थिक दृष्टि से हुआ है, अन्य और कारण भी होंगे, लेकिन जो मूल आधार है वो शिक्षा के द्वारा ही बनता है और वो उन्होंने बनाया था। गांधी जी की बात को शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहते थे, टू ड्राउ द बेस्ट आउट ऑफ हेड हैंड एंड हार्ट, हेड हैंड एंड हार्ट, दूसरे ढंग से सेल्फ सोसाइटी एंड नेचर। संदर्भ वही है, बात वही है, लेकिन कहने का ढंग अलग। तो ये जो दो तीन चीजें जिस ढंग से अब कहा जाए, हेड हैंड एंड हार्ट, सेल्फ सोसाइटी एंड नेचर, इसका अर्थ हमें समझना चाहिए और ये अर्थ ही हमारे को आगे के रास्ता दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने एक ज़माने में आईक्यू पर बहुत जोर दिया, 50-60 में जिसको देखे वो आईक्यू नापता रहता। फिर ईक्यू की बात आई, इमोशनल क्वेश्चन की बात आई, फिर एसक्यू की बात आई। सन 2000 में एनसीईआरटी ने भी एसक्यू की बात की तो उस पर बड़े आरोप लगे कि इसकी आवश्यकता नहीं, मगर दुनिया में इसकी आवश्यकता महसूस की गई और इसकी आवश्यकता है। 1972 में यूनेस्को ने एक रिपोर्ट बनवाई थी, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू बी, इसका अर्थ ये था कि हमें मनुष्य कैसा चाहिए, कैसा व्यक्ति हम निर्माण करना चाहते, और उसके लिए एडगर फॉरे की अध्यक्षता में किताब बनी लर्निंग टू बी, और ये किताब देखनी चाहिए। इसके सारे डिटेल्स सब तो मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगे कहीं, कि सन 70 के आसपास मनुष्य ने यह महसूस किया कि अगर दुनिया में शांति करनी है तो यह करना पड़ेगा। 1996 की जो रिपोर्ट बनी है, यूनेस्को का कमीशन बना, डेलोस कमीशन, उसको आप सब लोगों ने अध्ययन किया होगा, थोड़ा सा संदर्भ उसका ले लेते हैं। वहां पर स्थितियां बदल गई। तीन दशक में जब डेलोस कमीशन रिपोर्ट का उद्देश्य था शिक्षा का वैश्विक स्वरूप 21वीं शताब्दी में क्या होगा, बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। 1996 में जब वो रिपोर्ट जिनेवा में रिलीज हुई तो मैं वहां मौजूद था, वो मैंने वो भाषण सुना है जैक डेलोस का, जिसमें उन्होंने कहा एजुकेशन इन एवरी कंट्री मस्ट बी रूटेड टू कल्चर, कमिटेड टू प्रोग्रेस। ये वाक्य आप अपने वैचारिकता में डाल लीजिए, हर देश की शिक्षा व्यवस्था की जड़ें गहराई तक उस देश की मिट्टी में गई होनी चाहिए और उसकी प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता सजग होनी चाहिए, सजीव होनी चाहिए। जब मैं ये सुन रहा था तो मुझे गांधी जी के वो वाक्य याद आया, मैं अपने घर के खिड़की दरवाजे खुले रखूंगा, शुद्ध हवा जहां से आएगी मैं उसे स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं इतना खुला नहीं रखूंगा कि मेरा घर ही उस हवा के झोंके से उड़ जाए। अर्थ यही था, मैं नया ज्ञान लेने के लिए सदा तत्पर रहूंगा, उपयोग करूंगा अपने ज्ञान से, उसका सम्मिश्रण आवश्यक तो करूंगा, लेकिन मैं किसी से लालच में आकर उसी से मैं उड़ जाऊं, मैं अपना सब कुछ भूल जाऊं और दूसरे के उस पर चला जाऊं, ये आगे चलकर मेरे लिए, मेरे देश के लिए उपयोग नहीं होगा। तो डेलोस कमीशन रिपोर्ट ने ये बात कही उनके अध्यक्ष ने। उसका जो शीर्षक है रिपोर्ट का वो बहुत कुछ कहता है, शीर्षक है लर्निंग द ट्रेजर विद इन, जो स्वामी विवेकानंद कह गए। देखिए 1996 में, जो 1886 के समय विवेकानंद जी ने कहा था, 1996 में यूनेस्को कहता है अपनी रिपोर्ट का टाइटल द ट्रेजर विद इन है या नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है ये कि वही बात स्वीकार की है। और यहाँ पर चार लर्निंग का जो जिक्र किया है, दो हम सब जानते हैं, लर्निंग टू नो ज्ञान, लर्निंग टू डू कौशल, लर्निंग टू बी दोहराया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही है उन्होंने कहा, इन तीनों के पहले एक आता है, एक चौथा पिलर है लर्निंग का जो इन तीनों के पहले आता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहले आता है, क्यों पहले आता है और क्या है, लर्निंग टू लिव टूगेदर। अब स्थितियां बदल गई हैं। सन 2000 के पहले आपको याद होगा बार बार हर क्षेत्र में रिपोर्ट्स बन रही थी, डिस्कशन हो रहा था 21वीं शताब्दी में मेरे क्षेत्र का क्या स्वरूप होगा, शिक्षा का क्या स्वरूप होगा। तो लर्निंग टू लिव टुगेदर की आभास हमें हो गया था।
दुनिया भर से लोग एक सभ्यता से दूसरे में जाने लगे थे, एक देश से दूसरे में जाने लगे थे, दूरियां कम हो गई थी, ये बार बार कहा जा रहा था, वी आर नाउ लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज। और ये कहते कहते हम सब बड़े खुश थे कि अब तो हमारा सब कुछ हो गया। लेकिन जब लोग आने जाने लगे, जब मिडिल ईस्ट से बहुत से लोग यूरोप के देशों में पहुंचे, तो वहां पर स्थितियां बड़ी विषम हो गई, आज भी विषम है, क्योंकि विभिन्न धर्मों के साथ, विभिन्न पंथों के साथ, विभिन्न भाषाओं के साथ रह पाना सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए एक व्यक्तित्व विकसित करना पड़ता है, जो भारत में पीढ़ियों से हो गया था। स्वीकारता बहुत पहले हासिल कर ली थी और इसीलिए हमारा देश आगे बढ़ता रहा। दुनिया के देश आज हमसे सीखना चाहते हैं, लर्निंग टू लिव टुगेदर। इसलिए इस देश के हमारा कर्तव्य बनता है कि जितना संभव हो सामाजिक सद्भाव, पंथिक सद्भाव के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने का ज्ञान हमारे पास है, अनुभव हमारे पास है, हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ना है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है, और मैं एक बात आपको बता दूं, समाज का परिवर्तन राजनेता नहीं करते, सरकारें नहीं करती, ये विक्टर कर सकती है, लेकिन समाज के निर्माण का, भारत के भविष्य के निर्माण का जो कार्य है वो अध्यापक ही करता है, करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसके बारे में मुझे कोई आशंका नहीं है, मेरा यही अनुभव है। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए 2000 में NCERT ने जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया था स्कूल शिक्षा के लिए, या उसके पहले 1998 में जो NCTE ने बनाया था अध्यापक शिक्षा के लिए, उन सब में हमने एक बात कही थी कि सब धर्मों के मूल तत्व बच्चों को बताने चाहिए, पूजा पाठ की विधियां हमें नहीं बतानी, मूल तत्व बताने, मानवीय मूल्य बताने, क्या है ऐसे मानवीय मूल्य जो सबको पसंद आते हैं, सत्य के बारे में किसी पंथ किसी धर्म में दो राय नहीं है, अहिंसा के बारे में कोई दो राय नहीं है, शांति के बारे में दो राय नहीं है, सद आचरण राइटियस कंडक्ट के बारे में नहीं है, भाईचारे के बारे में कोई, ये पांच मूल्य हैं, ट्रूथ पीस नॉन वायलेंस धर्म या राइटियस कंडक्ट एंड लव, ये तो सब मानते हैं। तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि सब धर्मों में ये कॉमन है, इसलिए तुम्हारे बगल में जो बच्चा बैठा है जिसका पंथ अलग है वो भी तुम्हारे उतने ही पास है जितना कोई और है। और इससे जो सामाजिक सद्भाव पैदा होगा वह इस देश को जोड़ेगा। ये संस्कृतियां भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव की थी और ये कहा था सन 2002 में कि ये काम 50 साल पहले होना चाहिए था। भारत को जोड़ने का उत्तरदायित्व तो कर्तव्य बोध सबसे अधिक अगर किसी के ऊपर है तो वो देश के अध्यापकों के ऊपर है, अध्यापक प्रशिक्षकों के प्रति है, क्योंकि अध्यापक प्रशिक्षण के लिए मैं एक कहूँगा कि गुनार मेडल ने किताब लिखी थी 1970 के आसपास, द एशियन ड्रामा, उसमें उन्होंने कहा, उस समय उस किताब का मूल तत्व ये था कि ये जो विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, इनके लिए कैसे इनका विकास हो, गुनार मेडल दो लॉरियर थे, तो उस किताब में उन्होंने लिखा है कि विकासशील देशों के लिए यानी भारत जैसे देश के लिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आर द पावर प्लांट्स ऑफ क्वालिटी। गुणवत्ता के मूल केंद्र क्या है? टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से जैसे अध्यापक पैदा होंगे, जितने चेतनवान होंगे, जितने कर्मठ होंगे, जितने क्षमतावान होंगे, देश के हर क्षेत्र में गुणवत्ता उसी अनुपात में बढ़ेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, मगर बड़े व्यक्ति ने कही है, उनका संदर्भ दे रहा हूं, आप भी इसको जानते, अगर देश के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान गुणवत्ता में कमजोर होंगे तो वो कमजोरी अस्पतालों में भी दिखाई देगी, इंजीनियर्स में भी दिखाई देगी और हर जगह दिखाई देगी। अच्छे शिक्षक प्रशिक्षक अच्छे टीचर तैयार करते हैं, उसी से अच्छे विद्यार्थी तैयार होते हैं, अच्छे राजनेता तैयार होते हैं और उन्हीं को हमको आगे ले जाना होता है। मैं समझता हूँ एक घंटा हो गया होगा, मुझे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ अनुरोध मैं कर देता हूँ। सोमू सिंह ने मुझे जैसा बताया है कि आप लोगों में जो लोग कार्य कर रहे हैं बहुत से शोध करते होंगे, PhD के टॉपिक्स भी लेते होंगे, कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है जिन पर काम नहीं होता और होना चाहिए वो ये है, एक है
संस्थाओं की प्रगति क्यों रुक जाती है और कौन संस्था प्रेरित कर जाती है, इनका अध्ययन क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों इस बात पर पीएचडी नहीं होनी चाहिए कि एनसीटी को कैसे बनी और क्या उसे बंद कर देना चाहिए, या वो काम क्यों नहीं कर पाई या क्या काम कर पाई, एनसीईआरटी में क्या इंडिपेंडेंट स्टडीज हो सकती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। दूसरा, अध्यापकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन कैसे होता है? ज्यादातर अध्यापक वो आते हैं जो कुछ और कहीं जाना चाहते थे मगर अध्यापक बन जाते हैं, बन जाने के बाद 4 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद 15 साल बाद क्या उनका लगाव अध्यापन में बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, या वो एक हताशा में बने रहते। मैंने एक छोटा सा अध्ययन कराया था, मैं भोपाल के रीजनल इंस्टीट्यूट के डिमोन्स्ट्रेशन स्कूल में प्राइमरी में जो टीचर्स पॉइंट होते थे उसमें कुछ ऐसे होते थे जो सिर्फ बीए पास होते थे, ट्रेंड होते थे, कुछ ऐसे होते थे जो एमएससी एमएड होते थे और वो हो जाते थे सामान्य कैटेगरी वगैरह। तो मैंने देखा कि जो कम शिक्षित टीचर्स थे वे बड़े प्रसन्न होते थे, उन्हें अच्छा लगता था, वे उनकी कर्मठता बढ़ जाती थी, मगर जो अधिक प्रशिक्षण प्राप्त कराते थे वो पहले दिन से ही कहीं और जाने का उन्हें लगता था कि हम कहाँ गए, हम प्राइमरी में टीचर आ गए, उनका मनोबल नीचे जाता। इस तरह की अनेक समस्याएं हैं जिसके आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। एक चीज जो है कि मोटिवेशनल लेवल पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में क्या कभी ध्यान दिया जाता है, हाउ आर द टीचर स्टूडेंट टीचर्स मोटिवेटेड बाय द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, या केवल डिग्री की बात होती है, और कहीं कहीं तो ऐसे हमारे इंस्टीट्यूशंस होंगे जहां पर किया जा सकता है कि मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स पर प्रोजेक्ट लेकर किया जाए और देखा जाए कि क्या परिवर्तन होता है या नहीं होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स का अध्ययन सरकारें करें, कमेटियां करें, वो अपनी जगह, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट रिसर्चर करे तो संभवतः और अधिक गहन ऑब्जेक्टिविटी इस तरह के रिसर्च में हो जाएगी। एक वाक्य जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने एनसीईआरटी में एक पुस्तक बनवाई थी, वो प्राइमरी टीचर जिन्होंने सन 42 में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था गांधी की वजह से, गांधी से मिले नहीं थे मगर उनकी बात सुन के लिया था, 22 ऐसे अध्यापकों से, डॉक्टर लता पांडे नाम की एक हमारी प्रोफेसर थी वो मिली, उनसे पूछा कि उस समय आपको क्या प्रेरणा मिली थी कि आप स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, आपको जेल भी हुई, आपकी नौकरी गई, सब हुआ, क्यों किया। फिर उनसे ये पूछा गया कि अब जो अज्ञान का के विरुद्ध युद्ध है, शोषण के युद्ध है, उसमें आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप संतुष्ट हैं जो हो रहा है, ऐसे अध्ययन होने चाहिए। वो पुस्तक पहले नहीं छपी थी लेकिन बाद में एनसीईआरटी में छपी, आलोक केंद्र है शिक्षक, और भी हो सकता था। जो अध्यापक प्रशिक्षण नए नवाचार कर रहे हैं, कर्मठता के उदाहरण हैं, उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए और उस अध्ययन से देखना चाहिए कि उसका कौन सा हिस्सा, कौन सा सार तत्व जो है वो प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यकलाप में शामिल किया जा सकता है। बहुत कुछ किया जा सकता है। एक वाक्य जो मैंने इस्तेमाल किया है कई जगह कि रिलीजन्स आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वैल्यूज बट दे आर द मेजर सोर्स ऑफ वैल्यूज, इस पर अध्ययन अगर हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि क्या जिन घरों में रिलीजन्स की बात होती है या जहां नहीं होती है उनके बच्चों के मानव मूल्य कैसे कैसे विकसित होते हैं और कैसे विकसित होने चाहिए, कहां से जाए, कहां तक जा सकते हैं। अंत करते समय दो बातें कहना चाहता हूं। एक, यूनेस्को ने कहा, यूनेस्को का सूत्र वाक्य है, मैं उसे आजकल जुड़ा हुआ रहता हूं, कि वार्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मैन, इट इन द माइंड ऑफ मैन दैट द पीस डिफेंस ऑफ पीस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, शांति की स्थापना तो मनुष्य के मस्तिष्क में ही होगी और वो दृष्टिकोण परिवर्तन आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप अध्यापन के व्यवसाय में। आपसे अपेक्षाएं क्या है? स्वामी रंगनाथानंद जी ने अध्यापकों के समूह को भाषण करते हुए कहा था कि आप एक बिल्कुल मासूम से व्यक्ति को व्यक्तित्व में बदल देते हैं। जब आता है आपके पास कुछ नहीं जानता, लेकिन जब जाता है तो पर्सनालिटी बन जाता है। तो यह वाक्य है, टीचर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म से पर्सन इनटू ए पर्सनालिटी, व्यक्ति से व्यक्तित्व में बदल देता है। और इसी को
ढूंढते ढूंढते एनसीटी का जो एम्बलम है जो अभी बदला नहीं गया है उसको ढूंढने में मैंने प्रयास किए थे, और एक बड़े विद्वान थे पंडित पांडुरंग राव जी, उन्होंने जो वाक्य दिया है एनसीटी का सूत्र वाक्य पढ़िए, कभी आपने देखा ही होगा, गुरुर गुरुतमो धामा। अर्थ क्या है? अर्थ है गुरु मनुष्यत्व से दैवत्व की ओर ले जाता है। आप हजारों विद्यार्थियों को मनुष्यत्व से दैवत्व की ओर ले जाने के कार्य से संबंध है, वो आपका कार्य क्षेत्र है, वो आपका कर्तव्य है। क्या आप मनुष्यत्व से दैवत्व की ओर ले जाने के लिए अपने को सक्षम बना रहे हैं? ये प्रश्न अपने से पूछिए और पूछते रहिए, आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे। जेआरडी टाटा ने लिखा कि यू मस्ट एम एट परफेक्शन, बहुत आगे का लक्ष्य रखिए, यू विल अचीव एक्सलेंस। एम एट परफेक्शन, यू विल अचीव एक्सलेंस। और कुल मिलाकर जीवन का जो मूल उद्देश्य है, जो विद्या ददा दिव्यम में था कि साई इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भारत का तो अपरिग्रह का ही मूल्य है, अपरिग्रह का ही सिद्धांत है, वही प्रकृति और मनुष्य के संबंधों को ठीक करता है। उसी की तरफ आगे बढ़िए, आप सफल होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सोमू सिंह जैसे जो प्रयासरत लोग हैं उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि मैं जिस स्थिति में हूँ उसमें मैं युवाओं से बड़ी अपेक्षाएं रखता हूँ, जो शायद मैं खुद नहीं कर पाया। वो हमेशा जो पुरानी पीढ़ी होती है और नई पीढ़ी से उम्मीद करती है कि बहुत आगे जाएगी और अपने ऋषिऋण को चुकाने में कोई कोताही नहीं करेगी, ज्ञान में वृद्धि करेगी, ज्ञान के उपयोग में करेगी, मानवता के बढ़ाने में करेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें कोई प्रश्न तो नहीं पूछता है, अगर मुझे आइडिया नहीं है क्या होता है।